जालौन में 2 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या के मामले में फरार चल रहे हत्यारोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के एरी रामपुरा का है, जहां बीती 29 अक्टूबर को पप्पू पाल नाम का युवक ने एक वृद्ध को गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। बुधवार को आरोपी ने उसी स्थान के पास जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। मामले की सूचना आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस को दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आत्महत्या का मामला ये है कि जैसे 2 दिन पहले घटना हुई थी, गोली कांड हुआ था, तो इसमें नामदार्ज थे भैया, तो आज हम लोग 2-3 दिन से बराबर ढूंढ रहे हैं इनको, कहीं किसी से मिले नहीं। आज कुछ बरेदी हमें बताया 4 बजे के आसपास, तो हम लोगों ने तो हम गए वहाँ देखने के लिए, तो हम तो बोले वहाँ डेड बॉडी पड़ी है पप्पू भैया की, तो हम लोग गए देखने के लिए, 3-4 लड़के थे। फिर मैंने सबको फ़ोन किया, कोतवाल साहब को भी फ़ोन किया, गए तो उनकी बॉडी ऊपर अंगूछा बंधा हुआ था, नीचे बॉडी नीचे ही पड़ी थी, गए वो गले में साफी वगैरह बंधी थी, ये सारी चीज़ें थी। क्या आपको लग रहा है, कैसे हमको ये लग रहा है? अब मुझे तो अब देखने में टंगा वो नहीं मिले, वो पोस्टमार्टम होगा तभी क्लियर होगा क्या है, क्या मामला है, किसी ने मारा है, क्या आत्महत्या की है, इसमें कुछ। मामले को लेकर जालौन एसपी ने बताया कि मृतक हत्या के मामले में वांछित था, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आज शाम को जानकारी में आया, स्थानीय प्रधान ने सूचना दी कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इसकी जानकारी की गई, व्यक्ति की पहचान अभी 2 दिन पहले 29 तारीख को एक हत्या हुई इसी थाना क्षेत्र में, उसका जो संदिग्ध नामजद आरोपी था उसके रूप में इसकी पहचान हुई। पुलिस पिछले 2 दिनों से लगातार इसकी तलाश कर रही थी, जगह जगह जहां जहां इसका लोकेशन आया वहां पुलिस ने दबिश दी, लेकिन ये हाथ नहीं आया था। और एक सुनसान इलाके में इसने एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जिससे कि सही स्थिति का संज्ञान लिया जाएगा। जालौन से जितेंद्र सोनी। यू आर वॉचिंग न्यूज इंडिया लाइव टीवी। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।